अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नामपल्ली अजंता गेट के पास मुजाहिद उर्दू जनाब उर्दू अंसारी और उनकी टीम ने होम मिनिस्टर महमूद अली के फर्जन आज़म अली को यहां पर बुलाया ख्वातीन के जो दिन बनाया जा रहा है उसके ताल्लुक से, और उन्होंने खुसूसी ख्वातीन के दिन को कितना अहमियत दी और आने वाला वक्त कैसा होगा ये भी उन्होंने कहा। मजीद इन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ ख्वातीन कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से कई ऐसे ख्वातीनों को अपना हक नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल इनके अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। शिक्षक दो लोग बोलने में दोस्तों कहना रहा ये जो है मदर एजुकेशन सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हर साल ख्वातीन के हकूक़ के ताल्लुक से, उनके तहफ़ के ताल्लुक से, उनके जनाब जो मसाइल हैं उनको अमली तौर पे हल कराने के ताल्लुक से जद्दोजहद मुसलसल जारी है। आज चूँकि 8 मार्च बरोज़ पीर जनाब ये ख्वातीन का दिन करार दिया गया है आलमी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और ऐसे मौके पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, सेकुलर चीफ मिनिस्टर, मैन ऑफ कैरेक्टर एंड सिंसेरिटी जनाब KCR साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने स्पेशली ख्वातीन के लिए एक जियो निकाला और तातील का ऐलान किया। इससे ख्वातीन के अंदर मसरत की लहर दौड़ गई है। यकीनन ये ख्वातीन का दिन है, हम भी दिल की गहराइयों से इसका खैर मुकदम करते हैं, लेकिन बोलना यह है कि हक गोई से कभी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। बात यह है कि जब कभी किसी तारीख के सीने पे खंजर चल गया, हर हकीकत छुप गई, लोगों तक अफसाने गए, होशमंदों ने कहा, हर बुजदिली को मसलत और जानिए मख्तल गए तो सिर्फ दीवाने गए। बास ख्वातीन जो उनके हकूक़ के लिए हुकूमत ने जो कवानीन बनाए हैं उसका नायजा और बेजा इस्तेमाल करते हुए मर्दों को भी जनाब जी परेशान कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी अपने किरदार में सुधार लाएँ। और माँ बाप से भी इनके हम ये दर्दमंदन अपील करते हैं कि भाई अपने बच्चों को, बच्चे हो या बच्चियाँ हों, अच्छी तालीम दीजिए, इंसानियत की तालीम दीजिए, मज़हब की तालीम दीजिए, सेकुलरिज़म की तालीम दीजिए, अमन व ज़ब्त की तालीम दीजिए, खुश अखलाकी की तालीम दीजिए, वो तालीम दीजिए और उनकी इस कदर माहौल के अंदर परवरिश कीजिए कि उनको ये बताइए कि हक़ क्या है, नाहक क्या है, जुल्म क्या है, तशद्दुद क्या है, शौहर की इताअत क्या होती है, शौहर की फरमाबरदारी क्या होती है, शौहर को के साथ किस तरह रहना चाहिए। आज के क्योंकि आज ये जनाब जो इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे बड़ी खुशी की बात है कि मिसेस अर्शिया नाहिद जो कि इसकी कन्वीनर हैं और हमने फोरम की जानिब से आपकी गुलपोशी भी की है। इस मुबारक मौके पे मिसेस साइदा खान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स जनाब जो वेलफेयर डेवलपमेंट एशियन की, मिसेस निकत मैडम हैं, हेमलता मैडम हैं, शाहिदा मैडम है, मोहतरमा साइदा बेगम साहबा प्रिंसिपल सिराजुल मोमिनात भोलकपुर मुशराबाद से, और जनाब ये दूसरी हमारे डॉक्टर हफ्सा साहबा और जनाब जो है फौजी अम्मा साहबा जो कि बीए बीएड हैं,
काफ़ी जनाब जो काबिल लोग यहाँ पर हैं, मिसेज निकर साहबा जो कि बहुत ही ख़वातीन के अंदर जनाब जो बड़ी इज्जत की निगाहों से देखी जाती हैं, एक पॉपुलर फिगर है। हम हर साल शानिशान पैमाने पर इसको मुनक़िद करते थे, लेकिन कोविड का मसला अभी ज़िंदा है। अल्लाह ताला रहम अता फरमाए। इस बात से हुकूमत की जानिब से हो या जनाब जो तंजीमों की जानिब से हो, बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है कि जनाब जो है, इसलिए हम इसको बहुत ही मुख्तसर अंदाज के अंदर मुनक़िद किए हैं। आजकल देखने में ये आ रहा है कि शौहर तो शौहर होता है, अल्लाह ने शौहर को बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मर्तबा दिया है, बड़ा वखार दिया है, बड़ी बुलंदी दी है, एक अजमत का मकाम उसको दिया है। तो मर्द को अल्लाह ने फौकियत दी है और अल्लाह ताला ने ख़वातीन को भी जनाब जो बराबर के हकूक दिए हैं, लेकिन औरत उस चीज़ का नाम है जिसमें नरमी हो, जिसमें शराफत हो, जिसमें किरदार हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसके अंदर वो लरसता हुआ जिस्म हो कि जिसकी दुआ के लिए अगर वो बैठी तो अल्लाह उसकी दुआ में वो असर दे के वो अर्शे बरी पे पहुँचे और उसकी दुआ कबूल हो जाए। आज देखने में ये आ रहा है कि शौहर बाहर से हम कोई तनकीद नहीं कर रहे हैं, जो माहौल के अंदर देखा जा रहा है इस टी वी चैनल के ज़रिए हम अवाम उन्नास तक लाना चाहते कि शौहर आता है थका हारा, खाना निकालो डाल लो, अरे सालन गरम करो डाल लो, अरे क्या बात है भाई, नहीं पसंद का टीवी चल रहा है, पसंद का सीरियल चल रहा है, आने के मौक़े में नहीं है। अगर ऐसे हालात होंगे और अगर औरत नरमी को छोड़ के सख्ती की तरफ आएंगी, अना की तरफ आएंगी, गुरू की तरफ आएंगी, खुदा ना खजा अनानियत की तरफ आएंगी और मर्द से तकबुल करेंगी, खुद अपने आप को कंपेयर करेंगी, तो ये बात ठीक नहीं है। और मर्दानी को भी चाहिए कि वो अपनी अहलिया के साथ शफ़क़त का मुजाहरा करे, इंसानियत का मुजाहरा करे, किरदार का मुजाहरा करे, अखलाक का मुजाहरा करे, भाईचारी का मुजाहरा करे। आज ये इनके सारी अल्लाह ताला को प्यारी और पसंद है, आज ये इनके सारी अल्लाह ताला के बंदों में भी रहना चाहिए, क्योंकि आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। कोर्टों के अंदर देखते हैं सैकड़ों जनाब ये नौजवान बच्चियाँ खुला के लिए, तलाक़ के लिए, अल्लाह महफूज रखे, ऐसे अल्फाज बोलने से भी हम डरते हैं। छोटी छोटी बातों को एक जनाब जो वखार का मसला बना लेके अदालतों को जाना, वकला के पास रुजू होना और जनाब जो कोर्टों के चक्रा काटना, ये औरत की शान नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि महल्लेवारी सतह पे ऐसी कमेटियां तश्कील दीजिए, ऐसे जहनों को तलाश कीजिए। और हम आवाम नास से अपील करते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी समाज की है, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा परागंदा माहौल होता है तो हमको सबसे बढ़कर आगे बढ़ के कोशिश करना चाहिए कि उनको काउंसलिंग के ज़रिए शरीयत के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक, अखलाक के मुताबिक और शराफत के मुताबिक, औरत की बड़ी हुर्मत होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए, औरत की इज्जत का ख्याल करते हुए कि इनको जनाब जी अदालतों से महफूज रखें, कोर्टों से महफूज रखें और जनाब जी दूसरी चीज़ों से महफूज रखें। आप जानते हैं कि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसका उसके घर वालों पर, समाज पर, महल में क्या असर पड़ता है। तो हर मुमकिन हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि अना को बाजू रखते हुए, अपने अंदर से अना को निकालते हुए, आज जो इनके सारी को अपने में रखते हुए, इताअत गुजारी के साथ, फरमा बरदारी के साथ, खुलूस से दिल के साथ अपनी खुशगवार माहौल के अंदर जिंदगी गुजर बसर करना चाहिए। आप देखिए कि हालात किस तरह हैं, क्या ज़िंदगी बसर करना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं हमारे उन भाइयों से भी अपील करूंगा, कई लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी शादियों के 2-3 साल हुआ और जनाब जो है एक शादी उन्होंने कर ली है और मेरे को इतना देते हैं, उसको इतना देते हैं, एक ही घर को संभालना मसला है तो 2-2 घरों के अंदर आप क्यों ज़हमत करते हैं। अगर अल्लाह उतनी तौफीक दिया उतना आप इंसाफ कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं, जनाब जो उनके अंदर इंसाफ के पैमाने उतर सकते हैं तो फिर आपको शरई तौर पे भी आज़ादी हासिल है, वरना अपनी नफ्स की खातिर आप इन चीज़ों को बलाए ताक बोलिए और अल्लाह ताला के दरबार में सरबा सजूद हो जाइए और सलामती की, कामयाबी की, बेहतरी की, शफ़े कुल्ली की, सेहत कुल्ली की, दौलत की, अखलाक की, इंसानियत की दुआ मांगिए कि अल्लाह हम सबको अपनी पनाह की चादर के साए में रखे। और जो हमारे मोहतरमा साइदा खान, साइदा मैडम साहबा, साइदा बेगम साहबा जो सिराजुल मोमिनात की प्रिंसिपल है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जलसा मशरबाब में भी रखेंगे और मोहतरमा साइदा खान
खान साहब या पे एज ए जनरल सेक्रेटरी इंशाअल्लाह ताला अंबरपेट में हम रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला निकस साहब से भी हमारी अदबन गुजारिश है कि वो भी प्रेसिडेंट हैं अवातीन के बहुत बड़े डायनेमिक ग्रुप की, उनसे भी हम ख्वाहिश करेंगे कि जनाब जो जिस इलाके में रहती है किंगकोटी में एबिर से वहाँ पर भी एक ऐसा जलसा रखे ताकि मुख्तलिफ लोग आएँ और मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करें और ताकि अच्छा माहौल बने, खुशगवार माहौल बने, सलामती का माहौल बने, कामयाबी का माहौल बने। शुक्रिया। जय हिंद, जय तेलंगाना। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज इस वुमेंस डे के सेलिब्रेशन के मौके पर मैं सबसे पहले हमारे अंसारी साहब को मुबारकबादी देती हूँ, जो कि हर साल हम औरतों के लिए ख़ास कर प्रोग्राम मनाते हैं और इस बार ख़ास कर हमारे चीफ मिनिस्टर काबिल मुबारकबाद हैं, जो हमको तातील का औरतों के लिए ख़ास तातील का ऐलान किया है। दूसरी अहम बात, मैं तमाम आलमी ख्वातीन से जो कि वर्किंग में हैं उन तमाम ख्वातीन को ये मैसेज देती हूँ कि मेहनत से दिल लगाकर और खुश दिली के साथ काम करें और घरों की माएँ बहनें और जो भी हैं हमारी घरों में बैठने वाली ख्वातीन अपने हुनर के साथ काम करते हुए अपने नौनिहालों को आने वाली जनरेशन को उर्दू सिखाएं, उर्दू से वाकिफ़ करवाएं ताकि हमारी तहजीब कायम रहे। मैं इसके साथ मैं तमाम आलमी ख्वातीन को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिदा खान, ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन डेवलपमेंट की जनरल सेक्रेटरी। आप सबको वुमेंस डे की शुभकामनाएँ अता करती हूँ और अंसारी भाई की तह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम लेडीज़ को हमेशा आगे बढ़ाते हैं वो और हमें हिम्मत अफजाई करते हैं कि प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सॉल्व करने के लिए हमेशा ठहरे रहते हैं। तो ये नहीं चाहती कि आज एक ही दिन 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाए, हमें हमेशा ये आज़ादी दी जाए कि वुमेंस का जो पावर है, जो हमारे अच्छाई बुराई जो है, हम जानते हैं हमें क्या अच्छाई है और बुराई है, बस आप लोग का साथ चाहते हैं हम लोग कि आगे बढ़कर सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसे हटाएं, काउंसलिंग करें, अच्छाई और बुराई का हर किसी को बताएं, हर एरिए में जाकर, हर सोसाइटी में जाकर हम ये बताएं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। अगर हम जब तक नहीं सिखाएंगे कोई आगे बढ़ेगा नहीं। तो लेडीज़ को, हर किसी को यही इन्फॉर्मेशन देना है हमारी तरफ से कि आप लोग वुमेंस डे एक आज 8 मार्च को ना मनाते हुए हमेशा मनाएं, हमेशा खुश रहें। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा इंडिया खुश रहेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं इंशाल्लाह सॉल्व करें। अल्लाह हमें सब्र अता फरमाए पहले। तो आप लोग को मेरे तरफ से तह दिल से चीफ मिनिस्टर साहब को भी यही कहूँगी कि हम लोगों को जो आज छुट्टी देकर खुशी उन्होंने ज़ाहिर की कि छुट्टी मनाएं आप लोग और खुश रहें, तो ये एक दिन की खुशी हमारे लिए तह दिल से शुक्रगुजार है कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर अपने दिल का हाल सुनाकर हंसी मजाक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने छुट्टी आज डिक्लेयर की और बहुत बहुत शुक्रिया ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ एडवाइज़र अंसारी साहब को कि रोज़ हमारे लिए ऐसा ही एक माहौल रहे कि हम लोग हमेशा खुश रहे। और नाहिद बाजी भी जो हम लोग को बहुत सपोर्ट करती हैं, उनसे भी तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और आप लोग जो भी औरतें हैं जिनको भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास आकर अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकती हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो इस वक्त में। बस शुक्र अदा करके धन्यवाद बोलती हूँ।